यो व्हाट्सअप एवरीवन। तो भाई लोग यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए पबजी मोबाइल की वीडियो में। तो यह टॉपिक के ऊपर मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने का सोच रहा था कि यार अगर हम एक टू फिंगर प्लेयर हैं या टू फिंगर जायरो प्लेयर हैं तो हम क्राउच एंड शूट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं यार क्लॉ प्लेयर्स जो भी होते हैं फोर फिंगर क्लॉ या फाइव फिंगर क्लॉ आराम से क्राउच एंड शूट कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप क्राउच एंड शूट कैसे कर सकते हो, और तो और लगेगा ऐसा कि आप भाई टू ही फिंगर पे हो। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी यहाँ पे दबा दीजिएगा। और रॉयल पास का भाई एकदम तगड़ा वाला वो होने वाला है गिव अवे। तो भाई यार जिसको पॉपुलैरिटी देना है दे दो। मैंने बहुत से वीडियो में बता दिया क्या है उसका प्रोसीजर, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको मेरा पबजी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पॉपुलैरिटी दे सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्राउच एंड शूट करने के लिए। आप तो अगर आप एक टू फिंगर प्लेयर हो या टू फिंगर जायरो प्लेयर हो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होने वाला है। अब सिंपली देखो लेफ्ट साइड में मेरे एक फायर बटन है जो पीक के जस्ट बगल में है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं जैसे कि मिनी 14 चला रहे हैं या टैप टैप करने के लिए, बट यही बटन अब यहाँ पे मास्टर होगा हमारे लिए एक तरीके से क्राउच एंड शूट का, क्योंकि जो आपका फोर फिंगर है देखो लेफ्ट साइड वाला हैंड जो है उसमें आपका जो थंब है उससे आप जॉयस्टिक कंट्रोल कर रहे हो, और जो ऊपर का जो फोर फिंगर है उससे आप इस बटन को दबाओगे यानी कि फायर बटन को दबाओगे, और राइट साइड में जो आपका क्राउच का बटन है उसको आप दबाओगे छोड़ोगे दबाओगे छोड़ोगे, है ना। तो वही होगा क्राउच एंड शूट। आप सुनने में तो ये आएगा कि भाई ये तो थ्री फिंगर हो जाएगा, बट जब आप इसे ट्राई करोगे और अगर आप एक टू फिंगर होगे तो भी आपको लगेगा कि भाई ये टू ही फिंगर है, क्योंकि थ्री फिंगर इसलिए नहीं मैं मान रहा हूं क्योंकि यार हम जो लेफ्ट साइड वाला फायर बटन है उसे मान लो लॉन्ग रेंज के लिए शूट करते हैं या टैप 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 करने के लिए शूट करते हैं, तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्राउच एंड शूट के लिए, सिर्फ क्राउच एंड शूट के लिए। मेन गेम में अगर हम सामने बंदा एक दो हैं, अगर लॉन्ग रेंज मारना भी है या मिड रेंज भी मारना है तो हम राइट साइड वाले से ही मारते हैं। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए ना भाई तो ये एकदम टू ही फिंगर का है। बस आप एक तरीके से मान के चलो इसमें आप क्राउच एंड शूट के लिए इसे एक एडवांटेज के तौर पर यूज कर रहे हो, इस बटन को जहाँ टैप टैप होता है वहाँ पर आप इसे क्राउच एंड शूट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पर देखो एक बंदा आया, ये नॉक। क्राउच एंड शूट का यही फायदा है कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, और हमेशा आपको इससे फायर नहीं करना है। आप हमेशा राइट बटन यानी कि जो राइट साइड वाला फायर बटन है उसी से फायर करोगे या अटैक करोगे। जब क्राउच एंड शूट का बात आएगा तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो बताओ ये ट्रिक आपको कैसा लगा और इसको इस्तेमाल करना ट्राई करना, और वीडियो कैसा लगा। मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर बनाना जरूरी है यार क्योंकि काफ़ी मज़ेदार है और मैं इसको गेम में भी इस्तेमाल करूंगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे दिखा दिया। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।